न्यू कलर भी स्कीम, रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350, ऑरेंज एम्बर कलर एंड मिठालो सिल्वर कलर्स आर अवेलेबल, इंट्रोड्यूस्ड टू डेज बैक. न्यू कलर अलॉय व्हील्स एंड ट्यूबलेस टायर्स. दिस इज द ऑरेंज कलर, ऑरेंज एंड इट इज ब्लैक, ग्रीन ब्लैक, डार्क ग्रीन ब्लैक. दिस वन some green is enclosed in this one. This is total orange. This is black, dark black. This is black, black. Front mudguard, black, black mudguard, orange. Side orange. Tank is dual tone, black and orange. And here black, here also black. This is global leader in mid size. Two variants, metallo silver and orange amber. Like youthful and refreshing motorcycle experience. Available in, it is a silver color, silver and here chrome finish, exhaust is chrome finish, here exhaust is black coated, here chrome finish, this is silver color, seats are red lining, rims are red lining, total black, here ring is there. Powerful ticket. Here, this is Royal Enfield. It is 3D album. This one 3D coated. Same 350 engine, tubeless alloy wheels, dual channel, all features are same. Total colors are some 4 colors are there, or 5 colors, black color, gunmetal gray, and red color is there, and these 2 colors are available. Price is around showroom 1,83,164 and on road is 2,16,000 something. 26th it will be launched November 26th. November 20th, bookings are open on November 26th. Stores and Meteor is there. All the specifications, all you know, I think 350cc, it will also specifications. Some video here. Hello guys and welcome back to my video. तो आज हम लोग बात करने वाले फ्रंट में भी होगा पीछे भी होगे उसमें हमेशा ABS आएगा बट इसके अंदर आपको ड्यूअल अब जैसे इसका पीछे वाले मैं टायर की बात करूं तो ये आपको फ्रंट वाले टायर से 1 इंच छोटा मिल जाता है, मतलब फ्रंट इसका 19 था तो पीछे वाला इसमें आपको 18 इंचेस का मिल जाता है, दोनों ही MRF के मिलेंगे. अब जो रॉयल एनफील्ड जो क्लासिक है, और अब इसके हैंडल बार पे जैसे मैं कंट्रोल्स की बात करूं तो इसमें आपको किल स्विच, इग्निशन स्टार्ट स्टॉप का स्विच, और यहाँ पे आपको
हेडलाइट का जो है हाई बीम एंड लो बीम इंडिकेटर हॉर्न एंड जो आगे पास का स्विच देखने को मिलता है। और जिसके आप ये मिरर्स देख रहे हैं ये आपको ब्लैक कलर के अंदर मिलेंगे, बट जो सिल्वर में अभी जो था आपने देखा था उसके अंदर आपको क्रोम फिनिश के अंदर मिलते थे। अब इसके जैसे आप बैक प्रोफाइल देखेंगे तो इसमें आपको हेलोजन बल्ब के साथ ही टेल लाइट मिलती है, रिफ्लेक्टर एंड जो टर्न इंडिकेटर है वो भी आपको हेलोजन बल्ब के साथ मिलते हैं। और यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये ब्लैक ट्रीटमेंट देखने ज़्यादा पसंद आने वाली है, बाकी अलग अलग लोगों की अलग अलग चॉइस होती है। अगर आप रॉयल इनफील्ड की किसी भी बाइक से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो आप यहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जो नेक्स्ट स्पाइक्स टेक स्पाइक्स हियर गाड़ी बाड़ी ऑरेंज जम्बर टू क्रोम क्रोम का लॉस हो गया प्राइसेस आर प्योर ब्लैक 1.92, मर्क्यूरी सिल्वर 1.92, क्लासिक ब्लैक 1.92, एयरबोन ब्लू 2.3, VS6 एयरबोन ब्लू इज देयर, स्टॉर्म राइडर दिस इज सिग्नल्स एडिशन एयरबोन ब्लू एंड सैंड सिग्नल्स एडिशन, गनमेटल ग्रे 2.06, हंड्रेड प्राइस, अलॉय व्हील्स 2.6, स्पोक व्हील्स 1.94, ऑरेंज जम्बर इज 2.206, 2,06,000, सिल दिस इज ऑल्सो 2,06,000, ब्लैक इज 2.10, क्रोम ब्लैक इज 2.10, .350 एयर कोल्ड, मैक्सिमम पावर ऑफ 20 PS, टॉर्क ऑफ 28 nm, 5 speed, 5 gears, 19-inch front wheel, 18-inch rear wheel, dual-channel ABS, 280mm, 240mm disc brakes, front and rear, front is 280 disc, rear is 240 disc brakes. Single channels here, single channel prices. Okay, I'm closing the video.